हर धर्म से ऊपर है इंसानियत का मजहब, जो भूखे को रोटी खिलाता है, बीमार का इलाज कराता है और दुखों में साथ देता है, वही सबसे ऊपर है। लेकिन आज इंसानियत के उसी जज्बे को एक खास तत्व का रौंदने में लगा है। वो कत्ल कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, दुनिया को कट्टरपंथ की गहरी खाई में धकेल रहे हैं। कभी नफरत की तकरीरें पढ़कर, कभी बम गोले बरसाकर। लेकिन सवाल ये कि दुनिया को तबाह करने वाले इस तबके के पास पैसा कहां से आता है? आज वंदे मातरम में द्रोह काल के किरदारों को मिलने वाली फंडिंग का खुलासा होने वाला है। आपके सामने आने वाला है आतंकियों की फंडिंग का सीक्रेट अड्डा। कश्मीर में आतंकवाद, सीरिया में आतंकवाद, अफ्रीका में आतंकवाद, ब्रिटेन में आतंकवाद, लेबनान में आतंकवाद, दुनिया भर में आतंकी कहर बरपा रहे हैं। हाईटेक हथियारों से लैस होकर कट्टर इस्लामिक बारूद को जहन में भरकर खून खराबा करने पर उतारू हैं। एक नासूर की तरह बन चुके इस्लामिक आतंकवाद ने दुनिया के अमन चैन के लिए सबसे बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। जहरीले उन्माद से भरी इन तस्वीरों के आने से एक सवाल जहन में जरूर आता है, कभी सोचा है आतंकियों को पैसा कहाँ से मिलता है? कभी सोचा है आतंकियों को हथियार कहां से मिलते हैं? कभी सोचा है आतंकियों को पैसा देने वाला रहनुमा कौन है? सीधी और सपाट बात यह कि अगर आतंकवादियों के संगठनों को पैसा नहीं मिलेगा तो आतंक का मंसूबा चाहे वो दिल और दिमाग में लेकर घूमते रहें, लेकिन बिना पैसे के वो कुछ कर नहीं पाएंगे। यानी आतंकी मंसूबों की लाइफलाइन उन्हें मिलने वाला पैसा है, और ये पैसा उस खाद पानी की तरह काम करता है जिससे कुकुरमुत्तों की तरह आतंकी बनने लगते हैं। हाँ, एक और चीज में जुड़ जाती है आतंकियों की खेप, दुनिया भर में तैयार करने में आतंक के कारकुनों की वो जहरीली तकरीरें बड़ा रोल अदा करती हैं, जो खुद को आतंकियों का मसीहा बताकर जहर घोलने में जुटे रहते हैं। नफरत के ये किरदार भी उसी पैसे पर अपने आतंकी मंसूबों को हवा दे रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि वो पैसा आता कहां से है? इसका जवाब है, वो पैसा ज़कात से मिलता है, वो पैसा चैरिटी से मिलता है, वो पैसा आम मुसलमान से मिलता है। और सबसे हैरत की बात ये कि ये उस आम मुसलमान को पता ही नहीं होता कि उसके पैसे से चैरिटी के नाम पर खून खराबा हो रहा है, गोलियां बरसाई जा रही हैं, बम फोड़े जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, नौजवानों के जहन में बारूदी मंसूबे भरे जा रहे हैं।
दरअसल ये पूरा एक सिस्टम बन चुका है जिसमें आम मुसलमान से जकात के नाम पर पैसा लिया जाता है, जिसे वो खुशी खुशी दूसरे मुस्लिम भाइयों की मदद के लिए दे देता है। लेकिन ये पैसा उन कट्टरपंथियों के हाथ पहुंचता है जिसका चैरिटी, समाज सेवा और दुख दर्द से कोई वास्ता ही नहीं है। इन चरमपंथियों की ऑक्सीजन इन्हीं संगठनों से प्राप्त हो रही है, इनके धन बल और इनके बाद में जो बाहुबल में परिवर्तित हो जाता है उसके लिए ये आवश्यक होगा कि इनके धन के स्रोत, इनकी फंडिंग और इनका चैनल, इसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करके इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई करे कि दोबारा ये दुस्साहस न करें, क्योंकि ये केवल भारत, एशिया, अफ्रीका नहीं, विश्व शांति के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। अब आपको दिखाते हैं जकात या चैरिटी के नाम पर मिलने वाले पैसे का पूरा खेल। दरअसल चैरिटी की रकम दो तरह से खर्च की जाती है, एक हिस्सा कट्टरपंथी एजेंडा फैलाने वाले संगठनों तक पहुंचता है और दूसरा हिस्सा आतंकी संगठनों को मिलता है। दरअसल दुनिया भर में कई छोटे बड़े संगठन हैं जो मुसलमानों से मदद मांगते हैं, उन्हीं में सबसे बड़ा संगठन है मुस्लिम एड। ये उसी संगठन की वेबसाइट है जिस पर कुछ तस्वीरें लगाई गई हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। वेबसाइट पर साफ साफ लिखा है डोनेट टू मुस्लिम एड, जिस पर मुस्लिम देशों के पीड़ितों की तस्वीर दिखाकर जकात यानी डोनेशन मांगी जा रही है। सोमालिया इमरजेंसी, लेबनान इमरजेंसी, यमन इमरजेंसी, गाजा इमरजेंसी जैसे कई पेज हैं जहां डोनेशन मांगी जा रही है। दरअसल ये दिखावा है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस तरह इकट्ठा किया गया पैसा आतंकी गतिविधि और हेट स्पीच में खर्च किया जा रहा है। मुस्लिम एड के तीन बड़े संगठन हैं, जिसमें मुस्लिम एड इंडिया, मुस्लिम एड स्वीडन, मुस्लिम एड यूके और मुस्लिम एड इंटरनेशनल के नाम से मुख्य संगठन हैं, जो पूरे कॉरपोरेट की तरह आतंक के लिए फंडिंग करते हैं, जिसके दो मुख्य ट्रस्टी हैं मिर्जा फिरोज बेग और मोहम्मद जफर हुसैन कुरैशी। मिर्जा फिरोज बेग ग्रीन ऑर्बिट लिमिटेड नाम की एक कंपनी चलाते हैं जहां मुस्लिम एड इंडिया से जकात का पैसा जाता है। वही मोहम्मद जफर कुरैशी जकात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, अल फौज ट्रस्ट, अल खैर फाउंडेशन, जिसका एक इकरा टीवी के नाम से कट्टरपंथी तकरीरों के चैनल भी हैं। मोहम्मद जफर कुरैशी इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन इंटरनेशनल का डायरेक्टर भी है। ये वही संस्था है जिसमें जाकिर नायक डायरेक्टर है। जाकिर नायक इसी संस्था की यूनिवर्सल ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी को चलाता है, जिसके जरिए पीस टीवी और पीस टीवी उर्दू का टेलीकास्ट होता है। सबसे अहम बात ये कि इन सभी कंपनियों और एनजीओ का बिजनेस एड्रेस यूके में एक ही जगह का है, वो है 33 फॉरेस्ट रोड, बर्मिंगम, यूनाइटेड किंगडम। जाकिर नायक के पीछे गवर्नमेंट लगी हुई है। आप देखिए, जब कश्मीर का इशू उठाया गया था सितंबर 2019 में यूनाइटेड नेशंस में, तो मलेशिया भी इनके साथ था और जाकिर नायक जो है वो अभी इस टाइम पे मलेशिया में बैठा हुआ है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे बड़ा एक्शन लिया और वहां पे जो महातिर मोहम्मद की गवर्नमेंट है उसको गिराया। उसके साथ जो इस टाइम प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो फेवरेबली इंक्लाइंड है इंडिया की तरफ। लेकिन कुछ होता है कि जैसे इंटरनेशनली भी देखिए कि पीछे जैसे आपका कनाडा सपोर्ट कर रहा था खालिस्तान को, उसको लाइन पे लेके आया। मैं देखता हूं कि इंडियन गवर्नमेंट ने बड़े एक्शन लिए हैं इसके ऊपर, इनको डील करने के लिए। यानी एक जाल है, सभी संस्थाओं का पता एक ही है लेकिन नाम अलग अलग हैं, और जकात का पैसा कई एनजीओ और दूसरी संस्थाओं से होते हुए कॉरपोरेट स्टाइल में कंपनियों तक पहुंच जाता है और वहां से दूसरे देशों में भेजा जाता है, और उस पैसे से आतंकी गुटों की फंडिंग होती है, जिसकी तस्वीरें मानवता के कत्ल के रूप में सामने आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBDIA। और अब आपको बताते हैं कि यूके बेस्ड मुस्लिम एड के संबंध कैसे दुनिया भर में फैले, किन किन इस्लामिक टेरर से जुड़े संगठनों के साथ सामने आए। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाएं तो मुस्लिम एड का टेरर कनेक्शन क्या है, जमाते इस्लामी से संबंध सामने आए हैं, फिलिस्तीन के हमास से भी तार जुड़ रहे हैं, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद से भी संबंध है, इंडोनेशिया बांग्लादेश में जिहादी संगठनों को फंड दिया गया, मुस्लिम एड का एक पार्टनर है अल खिदमत। अल खिदमत हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम करता है। इसे बहुत ही गंभीरता से समझने की जरूरत है